हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार में फ्रेंड्स नई भर्ती का अपडेट आ चुका है, जो कि थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड पदों पर नियुक्ति होने वाली है, यानी जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी होते हैं उनके पदों पर नियुक्ति यहां पर होने वाली है बिहार राज्य के अंतर्गत। जी हाँ फ्रेंड, और ये जो भर्ती आ रही है ये आ रही है विश्वविद्यालय आयोग के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पूरा अपडेट आपको हम दिखाने वाले हैं। आज का लेटेस्ट अपडेट है 13 जुलाई 2019 का। ठीक है, इसका पूरा अपडेट आपको हम दिखाएंगे, वीडियो को देखिए लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि विश्वविद्यालय आयोग में बहाली जो आ रही है तृतीय और चतुर्थ पदों पर, उसका पूरा अपडेट आपको हम देने वाले हैं। और फ्रेंड्स, बिहार में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है 16 जुलाई को। ठीक है, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है वेबसाइट पर अपने चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको ये मिल जाएगा इसका पूरा अपडेट। सैलरी वगैरह बहुत अच्छा है, 25,000 सैलरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है बिहार में एक और नई भर्ती आई है, पारावधिक स्वयंसेवक, जो कि ऑफलाइन अप्लाई चालू है। जो 10वीं पास है इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सभी जिले के अभ्यर्थी आवेदन करना अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छा जॉब है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार में एक जो वैकेंसी आई थी प्रखंड समन्वयक और प्रखंड परियोजना सहायक, ठीक है, पोषण अभियान के तहत, तो उसका जो है आवेदन की तिथि बढ़ गई है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आप जाके आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन है। और लेडीज सप्लाई का जो वैकेंसी चल रही है फ्रेंड्स बिहार राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका क्या योग्यता उम्र क्या होना चाहिए, और जो सेविका है उसके लिए क्या होना चाहिए, सब कुछ मैंने बताया इसमें। ठीक है, अनुभव कितना वर्ष होना चाहिए, तो ये वीडियो आप जाके जरूर देख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और बिहार में फ्रेंड्स स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती आ रही है 16,000 पदों पर, ये वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा है अपडेट आपके लिए। और टोला सेवक एवं तालमी मरकज का योग्यता उम्र वेतन चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सब कुछ मैंने बताया इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जाके ये सब वीडियो देख लीजिए, बहुत ही काम की जानकारी आपको मिलेगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब दिखाते हैं आपको बिहार में जो नई भर्ती आई है विश्वविद्यालय आयोग में, उसका दिखाते हैं आपको पूरा अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपडेट, आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ये जो है आज के न्यूज़पेपर में आया है आर्टिकल, विश्वविद्यालय आयोग में होगी बहाली। ठीक है, सरकार विश्वविद्यालय आयोग में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड का जितने भी वैकेंसी है विश्वविद्यालय आयोग में, इसको लेकर के कर्मचारी को लेकर के सारा जो है नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी, और इसका विज्ञापन भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, यानी इसी साल 19 में इसका पूरा करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और विधान परिषद में जो फ्रेंड्स शुक्रवार को, यानी कल, शिक्षा मंत्री जो है कृष्णनंद वर्मा ने यह जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय आयोग में जो है बहाली का जो प्रक्रिया है वो शीघ्र पूरी कर ली जाएगी, जो कि थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड पदों के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो और भी बहुत सारा अपडेट है, तो ये दूसरा अपडेट है, ये आप लोग के लिए जानकारी नहीं है, तो मुझे सिर्फ यही अपडेट देना था कि विश्वविद्यालय आयोग में जो फ्रेंड्स बहुत जल्द बहाली के विज्ञापन आ जाएगा, और इसका जैसे ही आता है अपडेट तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊँगा। मुझे बस इतना ही आप लोगों को अपडेट देना था कि आयोग में बहुत जल्द बहाली आने वाली है, इसीलिए आप लोग जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।